माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट चांदनी के ऊपर है। ये मिनी चांदनी है और चांदनी के जितने भी प्लांट होते हैं सब परमानेंट प्लांट होते हैं। छोटे छोटे से इस पर फ्लावर्स आते हैं और रात के समय में जब इसके फ्लावर अंधेरे में एक साथ बहुत सारे खिले होते हैं तो ऐसा लगता है मानो चांदनी बिखरी हो, इसीलिए इसे चांदनी का प्लांट भी कहा जाता है। वाइट वाइट से फ्लावर आते हैं, इनमें कोई और कलर नहीं आता है, सिर्फ वाइट ही आता है। चांदनी की तीन वैरायटी आती हैं। एक आती है चांदनी का प्लांट नॉर्मल और जो कि बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, और एक आता है डबल पेटल चांदनी, वो भी काफ़ी बड़ा ट्री बन जाता है। पॉट में भी हालांकि ये प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और उनकी हाइट मेंटेन की जा सकती है अपने हिसाब से, लेकिन ये जो मिनी चांदनी है ये बौना होता है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती। ज़मीन में अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 फुट तक का या 5 फुट तक का हाइट लेगा, और अगर पॉट में लगाओगे तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं 2-2.5 फुट का ही ये हाइट ले पाता है। थोड़े बड़े पॉट में अगर आप डालोगे तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट तक का जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसमें, आप देखिए गुच्छे में फ्लावर आते हैं, एक ही ब्रांच पे इस साथ में 5-6 फ्लावर्स खिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी गुच्छे में फ्लावरिंग होती है और इसके फ्लावर बहुत ही जल्दी झर भी जाते हैं। एक ही दिन में या 2 दिन में इसके फ्लावर इस तरह से गिर जाते हैं। देखिए इस प्लांट पे, समर का प्लांट है वैसे तो ये, समर से लेके इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। रेनी सीजन में भी इसमें काफ़ी फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी, और जब तक बहुत ज़्यादा ठंडियाँ नहीं पड़ जाती हैं दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। लेकिन कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे चांदनी के प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसके भी कई कारण होते हैं फ्रेंड्स, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और कोई भी चांदनी का प्लांट है, मिनी चांदनी या डबल चांदनी या सिंगल चांदनी, तो हर किसी की केयर एक सी होती है, तो कोई भी आपके पास प्लांट है आप सेम केयर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करें, मिट्टी हमेशा पोरस ही बनानी होती है हमें, क्योंकि ये प्लांट की जो जड़ें हैं ना काफ़ी तेज़ी से फैलती है, तो जितनी सैंडी सॉइल होगी उतने अच्छे से इस प्लांट की जड़ें फैलेंगी और उतने ही अच्छे से आपका ये प्लांट ग्रोथ भी करेगा। जब भी आप मिट्टी बनाएं उसमें अच्छी अमाउंट में गोबर की खाद काउडंग कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें, वो इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पहली बात तो ये, दूसरा अगर गोबर की खाद नहीं है तब आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं इस प्लांट पे। उसके बाद जो इस प्लांट पे है इसके रूट्स क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फैलती है, तो हमें इस प्लांट पे रेगुलर जो होता है ना वो गुड़ाई करनी होती है, डिगिंग करनी होती है, तो उससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी पतली पतली सी इसकी थ्रेड वाली जो रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं, तो उससे ये प्लांट की ग्रोथ फिर से शुरू होती है। तो गुड़ाई इस प्लांट को पसंद है, आप इस प्लांट पे 20-25 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहा करें। पानी आप इस प्लांट को अच्छे से दें, और सनलाइट की बात करें तो सनलाइट भी आप इस प्लांट को जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उतनी अच्छी इसे सनलाइट दें। फुल धूप में रखें, 7-8 घंटे की धूप दें, तभी ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये हीट टॉलरेंट प्लांट है चांदनी के जितने भी प्लांट होते हैं, फुल समर में भी एकदम तपती धूप में भी इनकी पत्तियाँ एकदम ग्रीन बनी होती हैं, और जब फ्लावर नहीं आते तब भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, शाइनी सी लगती हैं और ग्रीन सी लगती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस प्लांट के लिए है वो है फर्टिलाइज़र, तो अभी उसकी बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र में आप इस प्लांट को, क्योंकि एसिडिक सॉइल पसंद है तो इस प्लांट को आप उस तरह का फर्टिलाइज़र दें। अगर आपके प्लांट पे बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होती है तब आप DAP के कुछ दाने इस प्लांट पे 20-20 दिन में डाल सकते हैं। उसके अलावा जो इस प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है टी कंपोस्ट, चाय पत्ती का कंपोस्ट, जो कि मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, अगर आप उस प्लांट पे देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आई बटन पे, आप ज़रूर चेक करिएगा। वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, कंपोस्ट बनता है, जो कि मैंने इस प्लांट पे डाला था रिपोर्टिंग के टाइम पे। मैंने रिपोर्टिंग का भी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास टी कंपोस्ट उस तरह का नहीं है जो कि मैंने बनाना बताया हुआ है, तो आप इस पर चाय पत्ती को पानी में भिगो के रखिए और उस पानी को 1-2 दिन छोड़ दीजिए, और फिर उस पानी को इसमें मिट्टी में डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करेगा वो।
लेकिन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे कहने पे वो टी कंपोस्ट वाला वीडियो ज़रूर वॉच करिए, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप अपने इस प्लांट पे नींबू और संतरे के छिलकों वाला पानी डालिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस पे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो वो नींबू और संतरे वाला जो पानी आता है, मतलब एक दो दिन उसे भिगो के रख दीजिए। संतरे के छिलके हैं तो ठीक है, नींबू के छिलके हैं तो ठीक है, दोनों साथ में हैं तो भी ठीक है। इन्हें भिगो के रख दीजिए पानी में, और एक दो दिन के बाद इस पानी को छान के, अगर आपने ज़्यादा दिन रखा है तो उसे डाइल्यूट कीजिए, और नहीं तो फिर आप उसे डायरेक्ट पानी में थोड़ा थोड़ा डाल मिट्टी में डाल दीजिए। इससे भी आपके प्लांट पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, इफ़ेक्ट मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चांदनी के प्लांट अगर ज़मीन पे लगे हैं फ्रेंड्स, तब आप इसकी कम केयर करेंगे तभी भी ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ज़मीन में इनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं और ज़मीन में से ही ये अपना पोषण ले लेती हैं। लेकिन पॉट्स में अगर आप इन प्लांट्स को लगा रहे हैं, तब आपको इसके खान पान का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से चांदनी के प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है। आप टाइम टू टाइम अगर इसे अच्छा फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तब ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, अदरवाइज़ ये सिर्फ पत्तियां ही निकालते हैं। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लाइट ग्रीन कलर की हैं या फिर पीली पीली सी हो रही हैं, झड़ रही हैं, तब आप इस प्लांट पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करिए, तब ये प्लांट ठीक हो जाएगा और वापस इसकी पत्तियाँ ग्रीन हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें आयरन वाटर भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ लोहे के कीले जो कि जंग लगी हुई होती हैं, उन्हें पानी में डिप करके रखिए कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद जो उसका पानी निकलेगा उसे दीजिए, उससे भी इस प्लांट की आयरन की कमी दूर हो जाएगी और ये वापस ग्रीन हो जाएगा। पेस्ट की बात करें तो इस प्लांट पे भी पेस्ट लगते हैं, उसके लिए आप रेगुलर बेस पे नीम ऑयल का स्प्रे करिए और कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे भी आप इस पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।